वेलकम टू केएस एकेडमी। सो इस बार जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज ऑफ रूट ऑप्टिमाइजेशन, वो हम बात कर रहे हैं रूट ऑप्टिमाइजेशन, है ना। सो रूट ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात कर रहे हैं, सो रूट ऑप्टिमाइजेशन समझ के आ रहा है कि हमें कोई भी रूट को कोई बेटर वे में बनाना होगा, कोई बेटर वे में हमें कोई भी रूट बनाना होगा, है ना। सो होगा क्या उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाँ, हमारा होम एजेंट है, होम एजेंट ये रहने वाला है दिल्ली का, ठीक है, लेकिन मैं तो फॉरेन में हूं, मैं तो भैया फॉरेन एजेंट के पास हूं। फॉरेन किधर? कनेडा, कनेडा, ओके, मैं तो भैया कनेडा में हूं। अब ऑब्वियस ही बात है, जिधर मैं रहूंगा मेरे दोस्तों उधर के ही ज्यादा होंगे। अगर मैं दिल्ली में हूं दिल्ली के दोस्त ज्यादा, कनाडा में हूं कनाडा के ज्यादा, कनाडा में तो वैसे पंजाबी है। सो भाई मैं कनाडा में एक और दोस्त से बात कर रहा हूं सीएनसी, लेकिन उसको मेरी आइडेंटिटी तो दिल्ली की पता है, डाटा वो भेज रहा है दिल्ली। ऑब्वियस ही बात है ये भी किसी एजेंट के अंडर होगा, ये भी किसी एजेंट के अंडर होगा, है ना, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, कनेक्ट कर दो सारे, हर एजेंट ऑब्वियस ही बात है इंटरनेट से कनेक्ट हुआ होगा, इंटरनेट से कनेक्ट हुआ होगा, है ना। अब मुद्दा यहां से शुरू होता है, मुद्दा यहां से शुरू होता है। सीएन ने डाटा भेजा नॉर्मली टू एचए, ठीक है, एचए ने टनलिंग के थ्रू इधर भेजा, किसके थ्रू, किसके थ्रू, टनलिंग, टनल, है टनलिंग के थ्रू एचए ने अपना डाटा एफए को भेजा, एफए ने डीन कैप्सुलेट किया एंड एमएन को भेज दिया, ठीक है। एमएन ने क्या किया, इसका रिप्लाई डायरेक्ट सीएन को इधर से दे दिया, रिप्लाई, है ना, ऑब्वियस बात है जब एमएन को पता है कि सीएन इधर है तो इधर ही भेज दिया उसने, एमएन को पता है सीएन इधर है तो उसने इधर ही भेज दिया। भाई सीएन को तो उसकी मेन लोकेशन एचए पता है, लेकिन एमएन को तो पता है भाई ये कनाडा का रहने वाला है, तो एमएन ने इधर ही रिप्लाई करना है। एमएन क्यों अपने दिल्ली वाले को भेजेगा, एमएन तो इसी को भेजेगा कि एमएन को पता है भैया वो कनाडा में है, ठीक है, जबकि सीएन को नहीं पता। इतनी बात समझ आ गई। सो हम देख रहे हैं सीएन यार इतना घूम के जा रहा है, पहले दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से वापस कनाडा, क्यों ना हम ऐसा करें कि सीएन अब डायरेक्ट डाटा कनाडा को भेजे, इतना उसको घूमना ही ना पड़े। रूट ऑप्टिमाइज कर दिया हमने, रूट ऑप्टिमाइज कर दिया क्यों, क्योंकि हम इतना ना घूमने की बजाय डायरेक्ट सीएन का डाटा एफए को भेजना चाह रहे हैं, हम बेसिकली रूट ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं ना। सो करेंगे कैसे वो देखते हैं, करेंगे कैसे वो देखते हैं। सो इसी प्रोसेस को रूट ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, इसी प्रोसेस को रूट ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। सो होगा क्या वो देखते हैं। सबसे पहले सीएन अपना डाटा भेजेगा, ये ले लेते हैं, ओके, डाटा भेज रहे एचए को, एचए ने फर्दर आगे एफए को भेज दिया, एफए एमएन को भेज देगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है डाटा। इसी बीच एचए ने इस डाटा भेजने के साथ साथ इसको एमएन से परमिशन ली कि साहब जी क्या मैं सीएन को आपकी मेन लोकेशन भेज सकता हूं, क्या मैं सीएन को बता सकता हूं कि भाई साहब वो तो आप ही के शहर रहता है, वो तो आप ही के शहर रहता है, ठीक है, क्या मैं उसको आपकी करंट लोकेशन भेज सकता हूं। अगर वो भेजने देगा तो हमें इतना ना घूम फिर के आने की जगह रूट ऑप्टिमाइज हो जाएगा। सो वो पहले क्या पूछेगा, एमएन से पूछेगा, अगर एमएन अलाउ कर देता है सो ये उसकी करंट लोकेशन को अपडेट करेगा, क्या करेगा, अपडेट, इसकी करंट लोकेशन को अपडेट करेगा। ऑब्वियस ही बात है जब एचए सीएन को अपडेट करेगा, सीएन को अपडेट करेगा तो सीएन उसको एक्नॉलेज भी तो करेगा कि हां भाई साहब जी लोकेशन अपडेट हो गई है, लोकेशन अपडेट हो गई है, लोकेशन अपडेट हो गई है ना। सो सीएन अब डायरेक्ट डाटा एफए को भेजने लग जाएगा एंड एफए डायरेक्ट डाटा एमएन को भेजने लग जाएगा, एंड एफए डायरेक्ट डाटा एमएन को भेजने लग जाएगा। इसी बीच एमएन के दिमाग में खुराफाती चीज आई, उसने कहा भाई मैं अपनी नई लोकेशन करता हूं, मैं इस जगह से शिफ्ट कर रहा हूं, मैं कनाडा में ही दूसरी जगह जा रहा हूं, सो नए एफए में आ गया, न्यू एफए में आ गया। इस समय एक चीज हुई, एमएन ने क्या किया, न्यू रजिस्ट्रेशन किया, है ना, एमएन ने
न्यू रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, एमएनए न्यू रजिस्ट्रेशन किया। अब एफए ने क्या किया, इसको अपडेट किया, अपडेट कि एफए ओल्ड को बता दो कि भाई एमएन जो है, कि एमएन जो है वो मेरे पास आ गया, अब मेरे अंडर काम करेगा एफए, अब एमएन मेरे अंडर काम करेगा। एफए ने उन्हें कहा एफए ओल्ड को कि अब एमएन मेरे अंदर काम करेगा, अपडेट कर दो इसको। एंड 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 इसने एक्नॉलेज कर दिया कि ठीक है मेरे पास डाटा इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है बहुत। अब इसने सीएन ने वापस डाटा भेजना शुरू किया, क्योंकि सीएन को तो नहीं पता कि एफए न्यू पे, अब उसकी न्यू लोकेशन है, तो वो डाटा अभी भी किसको भेज रहा है, एफए ओल्ड को। जब इसने डाटा भेजा तो एफए ओल्ड ने आगे डाटा तो सेंड कर दिया, डेटा तो सेंड कर दिया, लेकिन इसी के साथ साथ उसने बाइंडिंग वार्निंग मैसेज भेजा कि भाई साहब वो तो एफए न्यू के पास पहुंच गई है। सो इसके बाद क्या होता है, सीएन एच ए की ये लाइन जा रही है, सीएन एच ए को कहेगा कि भाई साहब रिक्वेस्ट ही है, न्यू लोकेशन बता दो, रिक्वेस्ट करी इसको, इसने उसको अपडेट कर दी न्यू लोकेशन। ऑब्वियस ही बात है एमएन की हर चीज एच ए को पता है, क्यों, क्योंकि उसका मालिक है एच ए, है ना। सो इसने उसको अपडेट करी, इसने एक्नॉलेज कर दिया एंड वापस डाटा भेजने लग गया इस वाले एफए को एंड इसने आगे एमएन को डाटा भेज दिया। इतनी सी बात है ठीक है। ये था इसका प्रोसीजर, ठीक है। सो ये होता है रूट ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, कि कैसे कैसे इसमें काम होता है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा सारा, ठीक है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ तीन टर्म, बाइंडिंग रिक्वेस्ट, जिसको मैं रिक्वेस्ट बोल रहा हूं हर जगह, वो चीज क्या है, बाइंडिंग अपडेट वो क्या है, ठीक है, बाइंडिंग एक्नॉलेजमेंट वो क्या है। देखो रिक्वेस्ट करी थी, अपडेट हुआ, एक्नॉलेज हुआ, ये तीन चीजें याद रहेगी। देन बाइंडिंग वार्निंग जो इधर आ रही है, ये चार चीजें रूट ऑप्टिमाइजेशन में याद रहनी चाहिए। हाँ अगर किसी को नहीं याद रहती तो वो नोट्स तो ले ही सकता है, है ना। सो वो बंदा नोट्स जरूर ले ले, ठीक है, क्योंकि उसी का फायदा है, देखो, ठीक है। सो अच्छी बात है कि नोट्स लो, क्योंकि लास्ट टाइम पे वीडियोस देखने से ज्यादा दो मिनट में नोट्स देखो, है ना। ऑब्वियस बात है नोट्स खोल के रखो, दो मिनट में वीडियो भी समझ आ जाएगी, सो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन। किसी कोई भी डाउट है, कोई समस्या, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस प्रेजेंटेशन, थैंक यू।